नमस्कार। अभी तक हमने दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में संयुक्त आघूर्णों को देखा था। अब हम दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में, यदि हम दो यादृच्छिक चरों के संयुक्त आघूर्ण परिभाषित कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनका आघूर्णजनक फलन भी परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने देखा था आघूर्णजनक फलन मूलतः आघूर्णों को याद करने का एक सरल माध्यम है। तो जिस प्रकार हमने एक यादृच्छिक चर के संदर्भ में आघूर्णजनक फलन को इस प्रकार परिभाषित किया था, उसी प्रकार दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में हम आघूर्णजनक फलन इस प्रकार लिख सकते हैं। S1 S2 X जमा S2 X X2 Y, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं समाकलन S1 X S2 Y X Y dx dy। यह अब हमें यह ज्ञात है कि तो को हम लिख सकते हैं प्रत्याशा n बराबर शून्य से अनंत k बराबर शून्य से n एन सी के एक्स के एस एक के एस दो एन माइनस के। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, अथवा असल में हम इसे लिख सकते हैं एस एक एक्स के एस दो वाई क्योंकि प्रत्याशा एक रेखकीय फलन है, अथवा प्रत्याशा एक रेखकीय क्रिया है, इसलिए हम लिख सकते हैं अनंत के शून्य से एन उसके ऐसे के एस दो एन माइनस के प्रत्याशित मान एक्स के वाई एन माइनस के। यह इसी रूप में हम लिख सकते हैं के एस दो आर एस एक एस दो बराबर शून्य बराबर है प्रत्याशित मान वाई। इस प्रकार हम आघूर्णजनक फलन का प्रयोग करके एक्स एवं वाई का कोई भी के जमा आरवां संयुक्त आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में हम दो यादृच्छिक चरों का संयुक्त वैशिष्ट्य फलन भी परिभाषित कर सकते हैं। दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में संयुक्त फलन इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है ओमेगा एक ओमेगा दो बराबर है अनंत माइनस अनंत से अनंत एफ एक्स वाई एक्स वाई ओमेगा एक एक्स जमा ओमेगा दो वाई डी एक्स डी वाई एवं यह बराबर है प्रत्याशा एक्स। अब फूरिये परिवर्तन के नियमों का प्रयोग करते हुए हम लिख सकते हैं
जे ओमेगा एक एक्स जमा ओमेगा दो वाई डी ओमेगा एक डी ओमेगा दो। इस प्रकार हम दो यादृच्छिक चरों के संदर्भ में संयुक्त आघूर्ण फलन एवं संयुक्त वैशिष्ट्य फलन ज्ञात कर सकते हैं। जैसा हमने पहले कहा था, यदि x एवं y स्वतंत्र हैं तब phi xy ओमेगा एक ओमेगा दो बराबर है ओमेगा एक गुणा फाई वाई ओमेगा दो। यह सिद्ध करना सरल है। इसी प्रकार यदि जेड बराबर है एक्स जमा वाई तब फाई जेड जेड बराबर है फाई एक्स ओमेगा फाई वाई ओमेगा, क्योंकि एफ जेड जेड बराबर है एफ एक्स एक्स कुंडलीकरण एफ वाई एक्स। इसीलिए फूरिये परिवर्तन के कुंडलीकरण नियम का अथवा फूरिये परिवर्तन के कुंडलीकरण गुण का प्रयोग करते हुए हम यह लिख सकते हैं एवं हम यह इन फलनों की उपयोगिता है। अब हम सप्रतिबंध बंटन की चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।